आज हम जानेंगे BHU हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, OPD फॉर्म है, वो हमें नहीं मिलता है और हम किसी भी मरीज को किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करा पाते हैं और उन्हें दिखा नहीं सकते हैं। इसके लिए अब सुविधा हो गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आपको एक स्लिप मिलेगा हॉस्पिटल के द्वारा। आप वहां पे जाके उस स्लिप से आप किसी भी डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। तो ये प्रोसीड आप कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि BHU हॉस्पिटल में आप किसी भी डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट या रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपको यहाँ सर्च बार में टाइप करना है BHU OPD ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। टाइप करने के बाद आपको इंटर कर देना है। ये जो प्रोसीड है, देखिए, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर OPD SS हॉस्पिटल BHU नोटिस। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ऐसा डिस्प्ले किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे लोगो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पे नाम शो हो रहा है। नीचे आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर OPD SS हॉस्पिटल BHU। आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप उस पर दबाते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। ये HDFC के द्वारा यहाँ पे कंसल्ट हो चुकी है, यानी कि ज्वाइन हो चुकी है। इसके लिए आप घबराइएगा नहीं कि HDFC पे हम क्यों आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये हॉस्पिटल की सारी चीज़ एक एक करके पिक्चर्स जो है हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सर सुरेंद्र लाल हॉस्पिटल IMS BHU भी डिस्प्ले किया जा रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलेगा OPD पब्लिक स्लिप के लिए, ये है। इससे जो आम नागरिक है वो यहाँ से OPD यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट को यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। चाहे आप डायरेक्ट अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके आप हॉस्पिटल पे जाइए, वहाँ पे आप वो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है स्टाफ और स्टूडेंट के लिए, जो BHU के स्टूडेंट हैं और स्टाफ हैं वो यहाँ से अपनी OPD स्लिप बुकिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो यहाँ से अपने अपॉइंटमेंट को प्रिंट आउट कर सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेकर जाके आप हॉस्पिटल से अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन के बारे में मैंने एक एक करके बता दिया। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर आप आम नागरिक हैं तो यहाँ आप इस बटन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा, यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, इसमें आपको लिखना है। कोड को लिखने के बाद बटन आपको मिलेगा I am not a robot, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा डिस्प्ले किया जाएगा, जिसमें आपको अपने कैटेगरी को और अपने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है कि आप किस विभाग में पेशेंट को दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तीन प्रकार की आपको यहाँ पे कैटेगरी मिलेगी, डेंटल साइंस OPD बुकिंग, मॉडर्न मेडिसिन OPD बुकिंग और आयुर्वेदिक OPD बुकिंग। जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद डिपार्टमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहां पे बहुत सारी डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, जिस विभाग में आप पेशेंट को दिखाना चाहते हैं यहां पे आपको कई सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। आप जिस विभाग में दिखाना चाहते हैं उसे आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको दो बटन मिलेगा, बैक एंड चेक का। आपको यहां चेक के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किस डेट में बुक करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको 20 से लेके 21, 22, 23, 24, 25 और अगर आप नेक्स्ट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट। आप यहाँ पे डेट आप ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक महीने का पूरा आपको दिखा दिया जाएगा, 30 दिन तक। आप 30 दिन के अंदर में जिस भी डेट को आप बुक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये समय दिखाया जा रहा है, 9 से 10 के बीच में आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे।
और अगर आप 10 से 11 के बीच में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार 11 से 12 है, 12 से 13 है, 13 यानी कि 1 बजे, 1 से 2, 2 बजे तक आप इसमें अपने पेशेंट को दिखा सकते हैं। तो ये मैं 26 तारीख के लिए बता रहा हूँ। इसी प्रकार आप जिस भी डेट में दिखाना चाहते हैं, जितने समय में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा प्रोसीड का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, इसमें बताया जाएगा कि इंटर पेशेंट डिटेल्स। आपको इसमें उस पेशेंट की सारी डिटेल्स देनी है जिसको आप दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पेशेंट का फर्स्ट नेम लिखनी है, उसके बाद लास्ट नेम लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक मेल आईडी लिखनी है। यहाँ पे पेशेंट का कितना एज है वो आप लिखेंगे। पेशेंट किस कैटेगरी का है, मेल है या फीमेल है, जो भी है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आप करेंगे, यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखनी है। पेशेंट के सारे डिटेल्स को लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट करने के ऑप्शन पे। इसे आप जो पेमेंट करना चाहेंगे, आप यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कई सारे पेमेंट करने का मेथड, यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। देखिए ये जो पेमेंट है 15 मिनट के अंदर में आपको इसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसमें हो सकता है कुछ चार्जेज आपका बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे कोई चार्जेज अभी नहीं बढ़ा है। अगर चार्जेज बढ़ जाता है तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि HDFC से इनका कोई संबंध है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। तो आप इसमें नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। सो आपको जो भी मेथड लगे उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कार्ड की डिटेल्स लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड का जो नंबर है उसे आप लिखेंगे, इसमें ATM कार्ड की नंबर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड किसके नाम से है वो कार्ड का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद कार्ड की एक्सपायरी क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कार्ड के पीछे 3 अंक का कोड होता है, वो कोड आप यहाँ इस बॉक्स में लिखेंगे। अपने कार्ड की डिटेल्स को लिखने के बाद आपको यहाँ पे बटन मिलेगा कंफर्म पेमेंट का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए कार्ड की जो डिटेल्स है वो हमने गलत लिखा है, इसलिए यहाँ पे प्लीज़ इंटर वैलिड कार्ड नंबर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक नमूने के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ पे इसी प्रकार से अपने डिटेल्स को लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे कंफर्म के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। उस OTP से आप वेरीफाई करेंगे तो आपका 20 रुपये कटेगा, और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपको मिल जाएगा। आपका जब रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिलेगा तो उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप उसे प्रिंट कर लीजिएगा। सॉरी, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट स्लिप मिलेगा। वो स्लिप आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चाहे आप उसे प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उसी स्लिप को आपको लेकर जाना है आपको BHU के हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जिस विभाग में आप सेलेक्ट किए रहेंगे उस विभाग में जाके आप इसे दिखाएंगे तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप है OPD स्लिप वो आपको दे देंगे। और चाहे तो आप उसी डेट को आप अपने डॉक्टर से जिनके लिए आप सेलेक्ट किए हैं, अपॉइंटमेंट लिए हैं, उनको आप उसी दिन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से आप इससे कम्प्लीटली रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पेमेंट करके आसानी से आप अपने पेशेंट को BHU हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार के कोई सवाल रहेगी तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। बाय बाय। जय हिंद।